हाय एवरीवन, मैं हूँ रजी कटारिया। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार जो है रंगों भरा हो और बहुत खुशहाली लेकर के आए, पॉजिटिविटी लेकर आए आपकी लाइफ में। हमेशा कुछ नहीं, रंगों की तरह एकदम आई कैन ब्राइट जो कलर्स होते हैं उनकी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने जीवन में। होली एक बहुत ही आई कैन यूनिक पर्व है, जिसे हम कलर से खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, कलर उड़ाते हैं, आई मीन स्प्रेड होता है कलर। कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अलग है। कई लोग बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको आपके कलर यूज़ करने चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये जो वीडियो है वो आप लोगों को कोई डिफरेंट एडवाइस देने के लिए मैंने बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जैसा हम काम करते हैं वैसी ही चीज़ें हमें वापस हमारी ज़िंदगी में मिलती है, यानी कि रिवर्ट होती है हमारी लाइफ में। जैसे हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा बोलते हैं तो बुरा होता है, ऐसे कहते हैं, ठीक है, बिकॉज जो यूनिवर्स है हमें वो ही चीज़ देती है जो हम उसे देते हैं, वापस हमें लौटाती है कैन से, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो हमेशा अच्छा काम करना चाहिए पहली चीज़ से। हम आपको होली के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ सिर्फ रंगों को लेकर के, जिससे कि आपको बहुत पॉजिटिविटी और वो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कम है या नहीं है वो आपकी लाइफ में आएगी, या हो सकता है उसमें आने के आई मीन आई कैन से एक उनको उसको सपोर्ट सिस्टम मिले, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो आप करते देते हैं वो वापस आता है, तो हमेशा अच्छी चीज़ें हम करते हैं। रंगों से हम किस तरह से इस चीज़ को मैं आई कैन से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द होली के दिन। अगर आपकी ज़िंदगी में मैं कमी की बात करूँ फिर उसको कैसे पूरा करें, दैट इज़ मैं वो चीज़ को डिटेल बताने वाली हूँ। सारे जॉडिक साइन वालों के लिए बात बता रही हूँ, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। आपकी ज़िंदगी में क्या कमी है और होली के दिन उन रंगों के द्वारा उस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, दैट इज़ द मेन कॉज मेरा इस वीडियो बनाने का जो आपका है, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको अक्सर लगता है कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, या आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, या अगर आपकी शादी भी हो चुकी है तो भी आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या कहीं ना कहीं अकेलापन है, जीवन साथी को लेकर की बात कर रही हूँ, आपको कमी होती है आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की, या कैसे रिलेशनशिप में आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, प्यार की बात कर रही हूँ मेनली, और एक मैरिड लाइफ में भी अकेलापन है, या लव में भी बहुत आपको अकेलापन है, या आपको लगता है कि आपको अकेला छोड़ा गया है, तो इस होली पर आपको पिंक कलर के रंगों से होली खेलनी चाहिए। पिंक कलर का कलर जो है आप उसे सब जगह लगाएं, मतलब लोगों को लगाएं, उड़ाएं भी। पिंक कलर का जो कलर होता है ना, एकदम अच्छा वाला पिंक जो होता है, उससे आप होली को खेलिए इस होली पर, ठीक है। सारे जॉडिक साइन के बारे में बताया, पर्टिकुलर एक के बारे में बताया, ठीक है। पिंक कलर जो होता है ना वो आपको अट्रैक्ट करता है, प्यार को अट्रैक्ट करता है, पिंक कलर होता है, डार्क पिंक कलर की बात करूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी नेक्स्ट जो टिप है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपका फ्रेंड नहीं है, या आपको सराउंडिंग लोगों से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आप फील करते हैं, आपके बिजनेस में भी अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कम्युनिकेशन या मार्केटिंग या सेल्स में कहीं ना कहीं कमी होती है, तो आपको इस होली पर ग्रीन कलर के कलर से होली खेलनी चाहिए। ग्रीन कलर उड़ाइए, सबको लगाइए, ग्रीन कलर स्प्रेड कीजिए, ग्रीन कलर, ठीक है, अच्छा वाला खिलता हो ग्रीन कलर, पोप्टी कलर जिसे कहते हैं, डार्क ग्रीन पोप्टी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, बुध का कलर होता है। अब मैं बात करती हूँ, मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, दैट इज़ द मेन थिंग। कई लोगों को लगता है कि मेरी रेस्पेक्ट नहीं है बाजार में, या लोग मुझे रेस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है, और एजुकेशन को लेकर के, या आपकी आई कैन से किस्मत आपका साथ नहीं देती, कभी कभी आपको लगता है किस्मत मेरे को सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रही, तो आपको येलो कलर से होली खेलनी चाहिए, येलो कलर उड़ाना चाहिए, येलो कलर सबको लगाना चाहिए, अच्छा येलो कलर, ब्राइट येलो कलर की बात करें, बहुत अच्छा रहता है वो इस चीज़ के लिए, ठीक है। फोर्थ जो मेरा टिप है वो ये है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलावा आपको इनकम में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं इनकम आपको रेगुलर नहीं आ रही है, या इनकम में रह रहे के इनकम आती है, या हर्डल्स आते हैं, या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आसपास के लोगों के से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, दैट इज़ अ मेन थिंग, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। और उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सर्वेंट्स भी नहीं रुकते हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही है, सर्वेंट्स भी नहीं रुक रहे हैं, और जॉब में प्रॉब्लम भी आ रही है, इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लू कलर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ब्लू कलर को आप स्प्रेड कीजिए और सबके लगाइए, अच्छा ब्लू कलर, प्योर ब्लू, ब्लू कलर की बात कर रही हूँ, उसमें कोई मिक्स नहीं मत कीजिएगा, प्योर ब्लू कलर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, नेक्स्ट जो टिप है, कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हम बहुत लेजीनेस फील करते हैं, यानी हम बड़ा एक लेजी है, हम करना चाहते हैं चीज़ों को,
सोचते बहुत ज़्यादा हैं कामों को, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. प्रैक्टिकली वी आर फील वेरी डल एंड बड़ा ही एक रूटीन नहीं बन पाता हमारी लाइफ में, या कहीं ना कहीं में एनर्जेटिक फील नहीं करते मोस्टली. कभी हमें फीलिंग आती है ऐसी, अगर आती है, ऑरेंज कलर इज़ वेरी गुड फॉर यू. प्योर ऑरेंज कलर का आपको स्प्रेड करना है, उसको उड़ाइए, सबको लगाइए, ऑरेंज कलर को यूज़ कीजिए इस होली पर, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और आने वाले टाइम में भी आप यू फील गुड कि मुझे एनर्जी लग रही है. ऑरेंज कलर इज़ वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. उसके अलावा कभी कभी जैसे दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम बड़ा ना रिलैक्स फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी आई कैन से फील करते हैं, या हमें ऐसे लगता है कि हमें जो रिलैक्सेशन चाहिए, दिमाग में जो रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, बहुत एकदम जो काम वाली स्थिति है वो हमें फील नहीं होती है. एंजाइटी कह सकते हैं, या बहुत अजीबोगरीब विचार आना कह सकते हैं, बहुत रेगुलर हमें निगेटिव विचार भी आ रहे हैं, और सडनली फॉग इन द माइंड वी कैन से, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, या किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है ऐसा, किस तरह की चीज़ों में आपको लेस फील होता है, या स्पिरिचुअल पावर भी आपको कम होती है, क्योंकि ये जैसे कामनेस नहीं होती तो आदमी बहुत स्पिरिचुअल पावर से कम भी फील होती है कभी कभी. मतलब मैं इस दिमाग की बात कर रही हूँ, जो दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आते हैं, कई बार बिना मतलब के विचार भी आते हैं जो काफ़ी निगेटिविटी ले आते हैं. और तो आपको पर्पल कलर के रंग से होली खेलनी चाहिए, बैंगनी कलर जो होता है ना, अच्छा बैंगनी, ब्राइट बैंगनी कलर, पर्पल कलर, उससे आपको होली खेलनी चाहिए, उसको आप स्प्रेड कीजिए. दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्पिरिचुअल पावर एंड योर कामनेस इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. कई बार आपको डिप्रेशन अगर आता है, नेक्स्ट टिप मैं बता रही हूँ, आपको जैसे डिप्रेशन आता है, या मेनली आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, या आपकी इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा, या आप इमोशंस अपने लोगों से बांट भी नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन मेन चीज़ लेके चल सकती हूँ. साइकोलॉजी जैसे इश्यूज हो जाते हैं, मेंटली लेवल में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर सकते हैं, या डिप्रेशन भी फील करते हैं, या बहुत ही आई कैन से लोनलीनेस भी आई कैन से उसको ऐड कर सकते हैं, और लोगों के साथ अपनी, लोग आपकी भावनाओं नहीं समझ रहे ना, आप समझा भी नहीं पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ होती है तो वाइट कलर इज़ वेरी गुड फॉर यू. प्योर वाइट कलर, उससे आपको होली खेलनी चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू. इसके अलावा मान लीजिए आपको कभी ऐसा लगता है, नेक्स्ट टिप जो बताने वाली हूँ उसमें कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इज़ नॉट सो मच अट्रैक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे आपको लगता है कि लोग आप सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके मतलब आपका एक वो कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लोग आपको एकदम आप बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं, या आपको लोग नोटिस नहीं करते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, नोटिस वाली नहीं है, आप अच्छे दिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आप, चाहे वो आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो कई बार होता है ना कि पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो आपकी अगर सीवी में कुछ भी अगर नीचे ऊपर भी होता है तो आदमी को ले लिया जाता है, जॉब मिल जाती है, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी. प्रेजेंटेशन आई कैन से दैट इज़ या दिस इज अ वर्ड. प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होती है, आप किस तरह से लोग सामने अपने आप को अपीयर करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं आपके सामने, जब आप एंट्री करते हैं रूम में तो कैसी फीलिंग्स आती है लोगों को, और आपको लगता है बहुत डल है या बहुत निगेटिव है, लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, या आपकी अपीयरेंस इज़ नॉट सो मच आई कैन से ब्राइट, या है ना, तो आपको थोड़ा वाइट कलर में थोड़ा सा पिंक कलर डाल करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या रेड कलर इज़ वेरी गुड फॉर यू. एनर्जी भी आपको मिलती है, डलनेस से दूर होती है अपीयरेंस व्हेन यू आर एंटर विद सम इन सम रूम और इन पार्टी, तो जस्ट रेड कलर ऑल्सो, और वाइट और रेड को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप. सिल्वर कलर को, मैं पक्के रंग की बात नहीं कर रही हूँ, पक्का रंग को यूज़ नहीं करना है, सिल्वर कलर को थोड़ा रेड कलर या पिंक कलर मिला लीजिए, या प्योर रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, रेड और वाइट को मिला लीजिए. रेड और वाइट का पिंक का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड फॉर दिस टाइप. रेड कलर बहुत एनर्जेटिक होता है अपीयरेंस के लिए. ठीक है. उसके अलावा दिस इज़ ए स्मॉल, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ कलर्स को लेकर के अगर बात कर रही हूँ तो. ब्लैक कलर से होली नहीं खेलनी चाहिए, ब्लैक कलर जो है बहुत निगेटिविटी फैलाता है और आपकी जो पर्सनैलिटी उसको भी निगेटिव लेता है, तो ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए. मैंने आपको ब्लू कलर बताया है, पर्पल कलर बताया है, ऑरेंज, येलो, पिंक, रेड, वाइट, ग्रीन, ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नीड क्या है आपकी लाइफ में. ठीक है. उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसी कलर के अगर आप कपड़े भी पहनते हैं होली वाले दिन स्पेशली,
तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिस जिस कलर का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द होली सेलिब्रेशन आप मैं कह सकती हूँ। और उसके अलावा जैसे होली जलती है, होली का जब दहन होता है उससे मैं आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी उनका दर्शन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए और जो हीट है उसको फील कीजिए, तो आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, निगेटिविटी है, वो जो सराउंडिंग्स निगेटिव ऑरा भी होता है तो वो क्लीन होता है। और प्रदक्षिणा भी जरूर करनी चाहिए होली की, तो बहुत अच्छा पावन त्यौहार है। हमारी सारी बुराइयों को हम इसमें जला दीजिए, बुरी चीज़ों को जला देना है और अच्छी चीज़ों को आउट करना है। ठीक है, तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था, आप सभी को अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।